बरेली में पुलिस टीम पर हुए हमला के मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब गिरफ्तारी के बाद जो आरोपी हैं पुलिस से रहम की भीख मांग रहे हैं। पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे ये लोग चंद घंटे पहले पुलिस वालों पर ही हमला करते नजर आ रहे थे। इनके हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक पुलिस वाले ने तो मंदिर में घुसकर अपनी जान बचाई। पुलिस पर हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मामला बरेली के प्रेमनगर इलाके का है और गिरफ्तार किए गए ये लोग जुआरी हैं। दरअसल दीपावली की रात जुए की सूचना पर पहुंची पुलिस पर हुए हमला मामले में पुलिस को इनकी तलाश थी। आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बाल तक कटवा लिए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। यह कार्रवाई ऐसे समस्त अराजक तत्वों के लिए बरेली पुलिस की तरफ से एक स्पष्ट संदेश भी है कि अगर कोई अराजक तत्व इस तरह की हरकत करता है और जो आसपास महिलाएं गुजर रही हैं मार्केट क्षेत्र से या सड़क से गुजर रही हैं उनके साथ अभद्रता करता है तो हम इसमें अत्यंत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और नज़ीर बनाने वाली कार्रवाई करते हुए उनके आचरण को दुरुस्त करने के लिए विधिक प्राविधानों का इस्तेमाल करते हुए इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। गिरफ्त में आने के बाद जैसे इनके होश ठिकाने आ गए, कानून का ऐसा खौफ कि सबके सामने रहम की भीख मांगने लगे। पुलिस का कहना है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी।